सो गाइज, बहुत सारा ऐसा मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब में जो कि अच्छा क्वालिटी का होता है, लेकिन उसका ऑडियो क्वालिटी कहीं ना कहीं मार खा जाता है। और मेरा अभी चैनल पे बोया माइक का गिव अवे चल रहा है, आई बटन में लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप पार्ट ले सकते हैं। दो विनर में निकाल दिया हूँ कल ही, तीसरा विनर में 2500 जैसे उस वीडियो पे लाइक हो जाएगा तो मैं अपने लाइकली मन इंस्टाग्राम में लाइव आके थर्ड विनर निकाल दूंगा। टोटल 5 माइक का गिव अवे चल रहा है अभी, एंड नेक्स्ट ट्राइपॉड और ग्रीन स्क्रीन का जो है गिव अवे आने वाला हूँ। अब आता हूँ मैं अपना मेन टॉपिक वीडियो पे कि बहुत सारा मैं वीडियो देखता हूँ कि अच्छा क्वालिटी का वीडियो बना लेते हैं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी कहीं ना कहीं 19-20 का लफड़ा लगा ही देता है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप घर में कम पैसे में कैसे एक चीपेस्ट माइक बना सकते हैं। अगर आप एक बिगनर यूट्यूबर हैं तो मैं बोलूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा यूट्यूब पे कोई भी ऐसा सामान ना खरीदे जो जेब से आपका पैसा लगे। जितना भी यूट्यूब से इनकम होगा वही सब पैसा आप यूट्यूब में लगाइए, अदरवाइज मैं गिव अवे के तौर पर आप लोग को देता ही रहूंगा। आपको जैसे पता है मैंने अनाउंस किया था अपने वीडियो पे। सो गाइज, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे माइक बना सकते हैं, वो भी 0 रुपया में। तो पूरा वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे जान लीजिए, मेरा नाम है मन और आप देख रहे हैं आपका हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल लाइकली टॉपिक। सो गाइस, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 0 रुपया में घर में माइक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ईयरफोन का जरूरत पड़ेगा। तो मैं फाइनली अपना एक ईयरफोन जिसको ईयर प्लग भी बोलते हैं तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, और ये बहुत जरूरी होता है। और ये एकदम लोअर क्वालिटी का आपको यूज़ नहीं करना है, आपका ईयरफोन जरूर होगा। आप अगर एक एंड्रॉयड यूज़र है तो आपका ऐसा ईयरफोन जरूर मिलता होगा, ठीक है। और ईयरफोन सैमसंग का जो वाइट कलर का आता है, ब्लैक कलर का आता है, वो अगर आप रखिएगा तो वो एकदम 100% परफेक्ट ऑडियो क्वालिटी दे देगा रिकॉर्ड करके। और बहुत सारा मैंने देखा है कि ईयरफोन, मैंने YouTube पे इस वीडियो को सर्च किया कि होममेड माइक कैसे बनता है, तो बहुत सारा मैं देखा हूँ कि ईयरफोन का जो है यहाँ पे काट देता है वायर को और उस ईयरफोन को डैमेज कर देता है, उसको फिर आप माइक के तौर पे यूज़ कर पाइएगा, उसके बाद इसका आप सॉन्ग वॉन्ग सुन नहीं पाइएगा, बात बात नहीं कर पाइएगा। लेकिन 0 डैमेज में कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए आपको ना काटना है, देखिए पहले ही आपका उलझा हुआ रहेगा ऐसे, इसको मेरा उलझा हुआ है, एंड यहाँ पे आपको ऐसे करके इसको मोड़ देना है, ठीक है। तो ये पूरा मेरा माइक का तरह आ गया है। एंड आप नोट कीजिएगा, जो भी आप ईयरफोन खरीदते होंगे तो उसका देखते होंगे यहाँ पे आप बात बात करने के लिए एक माइक देता है यहाँ पे आपको साइड में, तो इसी माइक से हमारा ऑडियो रिकॉर्ड होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर सैमसंग का ईयरफोन रहे तो सैमसंग थोड़ा ब्रांड हो जाता है और उस पर अच्छा खासा ऑडियो मिल जाता है। आप जैसे कॉल में देखते होंगे गिर गिर टाइप से या झिकझिक टाइप से नहीं साउंड देता है, कॉल में जितना अच्छा क्वालिटी देता है वैसे ही आपका ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, ये तो सिंपली आपका आप इससे नॉर्मल तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करें, तो आपको सिंपली इस पे थोड़ा सा अपडेट करना होगा। ऐसे करना होगा, आपको ये माइक मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाला जो होता है ना, ये रुआ टाइप से आपको मार्केट में मिल जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चाहिए कैमरा वैमरा का, तो वहाँ पे बोलिएगा माइक वाला हमको रुआ दे दीजिए, रुआ ही बोलते हैं इसको, फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये आपको 10 रुपये मिल जाएगा, इस पर बहुत अलग अलग साइज का रहता है, तो आपको 10 रुपया लगेगा। 10 रुपया से अधिक आप पे मत कीजिएगा ऑनलाइन में, आप 100 रुपया तक में अगर मांगेगा तो आपको ऐसे ऑनलाइन में माइक मिल जाएगा। तो ये आपको 10 रुपया लगाना है, ठीक है। उसके बाद इसी का मैं बोला 10 रुपया इसी का लगेगा, एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं लगेगा। और इसको आप घर से ही बना सकते हैं, कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कपड़े वाला थोड़ा खराब लगेगा, ऐसे आपको थोड़ा प्रोफेशनल दिखने में लगेगा। तो इसको क्या करना है गाइज, इसके अंदर ऐसे डाल लेना है, ठीक है। तो गाइज फाइनली देखिए, ये हमारा पूरा लुक देने लगा माइक की तरह, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी अच्छा माइक की तरह लुक देने लगा। अब इसको क्या करना है, ये मैंने मेरा 2 वायर निकल गया, ठीक है। तो ये 2 साइड से वायर निकल गया, तो ये एक साइड जो वायर निकला ना, जो यहाँ पे एयर प्लग है, इसको आपको अंदर की तरफ ऐसे डालना है ताकि जो ये बीच में फंस जाए और प्रोफेशनल लगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट डाल लेता हूँ इसको। एड गाइज, ये फाइनली हमारा सेटअप तैयार हो चुका है ऑडियो का, तो यहाँ पे मैं लगा लिया दोनों वायर को, कर दिया, और इसको अपने बटन के अंदर कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड, अगर आप कैमरा में वर्क करते हैं तो कैमरा में ये रिकॉर्ड करके नहीं देगा आपको ऑडियो, आप मोबाइल, अगर मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं तो ओपन कैमरा में रिकमेंड करूँगा आपको, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओपन कैमरा डाउनलोड करना हुआ, सेटिंग में जाके एक्सटर्नल माइक का सोर्स आप इनेबल कर लेना है, एंड आपको ईयरफोन का जो ये मिलता है ना प्लग वाला, आपको मोबाइल में डालना है, उसके बाद आपको जो बोलना अपने वीडियो में बोल दीजिएगा, ऑडियो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का रिकॉर्ड हो जाएगा। बोया माइक या फिर एक्स्ट्रा माइक आप पैसा लगा के खरीदेगा, उससे बेटर क्वालिटी का मैं गारंटी देता हूं, ये आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। बोया माइक मोबाइल में नॉर्मली क्वालिटी का रिकॉर्ड करता है, अगर आप बोया माइक यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कैसा वो क्वालिटी देखने को मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पैसा वैसा मत लगाइए, ऐसा ही नॉर्मल अपना घर में बना लीजिए माइक, जो कि काफी सस्ता में बनेगा, 10 रुपया भी खर्चा नहीं लगा, एक माइक रेडी हो गया है। एंड अब बात करें कैमरा वाला कैसे रिकॉर्ड करें, तो कैमरा वाले मोबाइल, इसको मोबाइल के अंदर भी प्लग करके डाल सकते हैं और अच्छा क्वालिटी का रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा वाले के लिए एक मोबाइल में कैसे अच्छा क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं 0 रुपया बजट में, उसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूं, अभी काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा।
सो गाइज आप समझ गए कि 10 रुपया खर्चा करके आप कैसे घर बैठे का अच्छा माइक बना सकते हैं एंड अच्छा क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब वीडियो क्वालिटी अच्छा हो गया, ऑडियो क्वालिटी अच्छा हो गया, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो बना दिए कैसे अच्छे से लिखना है, ये तीनों काम करके 110% अपना वीडियो को रैंक करवा सकते हैं। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।